very much from my behalf and on behalf of CIET and on behalf of participants also. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for cooperating. I really enjoyed talking to you all. Thank you. So moving forward, abhi sabse pehle host please attendance sheet aap group mein share kar dijiye chat box mein so that hum log group matlab yahi pe chat box mein. Yes ma'am, Lakshmi ma'am, main already attendance ki hi baat kar rahi hu. So hum log attendance mark karenge aur sath hi sath ab hum chalenge demo ki taraf jo ki stop motion studio ka demo hai. Prachi ma'am, Dr. Prachi hain hamare sath us session ke liye. She will be taking us through the app and then she will also be showing a demo video. So be in tune with that so that you, once the session is going on, please pay attention to the session. Don't start doing right away. एक बार आप लोग सारा session सुन लेंगे, देख लेंगे, तो करते हुए ज्यादा आसानी होगी. अगर आप लोग साथ साथ करते हैं तो जो नई चीज बताई जा रही है वो मिस हो जाती है और इस चक्कर में आपके सवाल, आपको लगता है कि आंसर नहीं है बट वो कई बार एक ही सवाल रिपीट होता रहता है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले डेमोंस्ट्रेशन को अच्छे से देखें और सीआईटी सो एक तो मिस्टर आलोक हैं होस्ट टीम में, प्लीज आप अटेंडेंस पोस्ट कर दीजिए. एंड नाउ आई इन्वाइट डॉक्टर प्राची टू स्विच ऑन हर कैमरा एंड अनम्यूट हर सेल्फ so that we can introduce you to all the participants. So she is Dr. Prachi. She is working in CIET only and she will take us through the complete stop motion studio demonstration and then we will do the hands on also on that. Dr. Prachi, the session is all yours. Please guide us through the stop motion studio. Yes. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो इस सेशन में हम सीखेंगे किस तरीके से हम स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप को यूज करके छोटे छोटे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. अभी जो प्रीवियस सेशन हुआ था आयुष सर का, उन्होंने एनिमेशन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मैं चैट बॉक्स में देख रही थी कि किसी का एक मैसेज था कि सर ने ट्रिगर कर दिया है कि अब हम एक बहुत अच्छे एनिमेशन बना सकते हैं. तो ये जो ऐप है स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप, उस ऐप को यूज करके आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. उस एनिमेशन में आप ऑडियो डाल सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. लेट्स स्टार्ट. स्टॉप मोशन एनिमेशन. स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है? स्टॉप मोशन एनिमेशन इज अ टाइप ऑफ टेक्निक by which object can be moved automatically. In this, some pictures are drawn, their different photos are clicked in different position, and when these images are played in a sequence, a movement appear. This is called stop motion animation. Stop motion animation में हम कोई motion create नहीं करते हैं. हम different positions में कोई भी हाथ से ड्रॉ किया हुआ इमेज या फिर किसी भी पपेट को यूज करके हम डिफरेंट पोजीशंस में उनकी फोटोज को क्लिक करते हैं और उसको एक साथ प्ले करते हैं. तो हमें एक मोशन का इल्यूजन दिखता है, हमें ऐसा रियलाइज होता है कि ये मूव कर रही है, ये जो इमेजेस हैं वो बात कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, पर एक्चुअल में वो रिएक्ट नहीं करती हैं. वो केवल एक इल्यूजन होता है मोशन का, जिसको हम स्टॉप मोशन एनिमेशन कहते हैं. इस एनिमेशन में हम एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि मोशन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, पर रियलिटी में वो नहीं होता है. केवल वो एक स्टिल इमेजेस होती हैं जिसको एक सीक्वेंस में हम प्लेस करते हैं और उनको एक साथ प्ले करते हैं. तो इसे हम स्टॉप मोशन एनिमेशन कहते हैं.
अब स्टॉप मोशन एनिमेशन किस तरह से हम बना सकते हैं? जैसे पहला है ऑब्जेक्ट मोशन, हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लेके, जैसे कि अगर हम मैथमेटिक की बात करें तो हम मैथमेटिक्स में जो नंबर्स के प्लास्टिक वाले ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, स्मॉल एनिमेशन बना सकते हैं एडिशन सिखाने के लिए, किसी प्राइमरी के बच्चे को एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम जो टॉयज वाले अल्फाबेट्स आते हैं नंबर्स के, उनको हम यूज करके एनिमेशन बना सकते हैं। तो अब हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज करके अगर एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो उसको हम स्टॉप ऑब्जेक्ट मोशन कहते हैं। क्ले मोशन, हम क्ले से कुछ पपेट बना के कोई स्टोरी बना सकते हैं, उस स्टोरी को हम क्लिक करके अगर हम उससे अगर हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो क्ले मोशन, उसको हम एनिमेशन कह सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म है जिसमें हम स्टॉप मोशन एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। कटआउट मोशन, इसमें हम कुछ पेपर कटआउट्स का यूज कर सकते हैं, उनको पेपर कटआउट से हम एक स्टोरी रन कर सकते हैं, उनके फोटो क्लिक करके हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आज हम जो एनिमेशन का डेमो देखेंगे वो हम कटआउट मोशन का ही एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें हमने पेपर से एक कुछ कटआउट बना के हमने एक स्टोरी को एनिमेशन फॉर्म में बनाया है। पपेट एनिमेशन, पपेट में इसमें हम कोई भी पपेट यूज कर सकते हैं, जैसे कि आयुष सर ने भी बताया था गुड्डे गुड़िया लेकर अगर हम कोई स्टोरी बनाए, उस स्टोरी को हम उस फॉर्म में अगर दिखाते हैं तो हमारा पपेट एनिमेशन हो सकता है। तो स्टॉप मोशन एनिमेशन वो बनाने के लिए हम इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे एनिमेशन टूल्स हैं जिससे कि हम एनिमेशन बना सकते हैं, ये फ्री एंड ओपन सोर्स हैं। तो जिससे हम कुछ 2D और 3D एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे वो है स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप। स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप कुछ इस तरीके से उसका लोगो है, जो हमें इस तरीके का लोगो है जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे। अब किसी भी मतलब जो स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप को यूज करके हमें एनिमेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट है स्मार्टफोन। यस, हमें फोन से उस क्योंकि ये मोबाइल बेस्ड ऐप है तो हमें स्मार्टफोन की जरूरत होगी। हम प्ले स्टोर में जाकर उसको डाउनलोड करेंगे तो स्मार्टफोन की हमें जरूरत है। सेकेंड है स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस स्टोरी पर वो एनिमेशन क्रिएट करना है। अगर हम कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं लेक्चर के थ्रू, तो क्या ऐसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जहां अगर हम एनिमेशन को यूज करते हैं तो हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, या कौन से ऐसे हार्ड कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझाने के लिए एनिमेशन रिक्वायर्ड है। तो वो हार्ड एरियाज हमें आइडेंटिफाई करके एक स्टोरी लाइन बनानी होती है कि किस तरीके से हम वो एनिमेशन के लिए क्रिएट करें। तो स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके कंप्लीट एनिमेशन का, जिसमें हम जैसे स्केच से भी हम इसको बना सकते हैं, पेपर पेन से भी बना सकते हैं। इसके लिए आपकी ड्राइंग या आर्ट अच्छी होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप एक रफ स्केच से भी एक अपने आइडिया को एक पेपर पे उतार सकते हैं, डिजिटली भी हम ये बना सकते हैं। स्टोरी बोर्ड के फायदे ये होते हैं कि अगर हम स्टोरी बोर्ड बना लेते हैं, हम हमारे माइंड में जो भी एक स्टोरी लाइन है उसको लेके अगर हमने स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर लिया है किसी भी एनिमेशन को बनाने से पहले, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो एनिमेशन है, हमारी जो वीडियो है, वो उसका आउटपुट क्या होगा, उसको हम विजुलाइज कर लेते हैं। हर सीक्वेंस को, हर फ्रेम को हम विजुलाइज कर लेते हैं कि अगर हमने अभी फर्स्ट फ्रेम ये क्लिक किया है तो सेकंड फ्रेम क्या होना चाहिए, उसका एक क्लैरिटी हमको मिल जाती है स्टोरी बोर्ड से। जैसे कि एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये बहुत हाथ से ही बनाया हुआ है। इसमें एक स्टोरी है
जो बहुत ही फेमस स्टोरी है प्यासे कौए की स्टोरी है कि वो किस तरीके से देखता है ग्राउंड में एक मटका रखा हुआ है जिसमें पानी है लेकिन पानी का लेवल इतना कम है कि वो पानी को नहीं पी सकता है, तो उसने किस तरीके से आप देखेंगे कि ना बहुत रफ बना हुआ है कि उसने पत्थर के टुकड़ों को उठाया और कैसे उसने डाला उसमें और फिर उसने बार बार ये प्रोसेस को रिपीट किया और फिर एट लास्ट वो सक्सेस रहा, उसने पानी पिया और वो चला गया। तो स्टोरी बोर्ड से हमें एक कंप्लीट अपनी स्टोरी एनिमेशन और वीडियो का एक आइडिया हो जाता है कि हमारा अभी फर्स्ट फ्रेम ये है तो नेक्स्ट फ्रेम क्या होना चाहिए, फ्रेम बाय फ्रेम एक क्लैरिटी आ जाती है। इससे किसी भी वीडियो को बनाने में, एनिमेशन को बनाने में कोई भी किसी भी तरीके की एरर होने की गुंजाइश कम हो जाती है, हमें वो एरर पहले से ही दिख जाती है क्योंकि हम स्टोरी बोर्ड के माध्यम से उस पूरी एनिमेशन को विजुलाइज कर लेते हैं पहले ही कि स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो स्टोरी बोर्ड, स्टोरी लाइन और मोबाइल फोन, ये एक रिक्वायर्ड चीज है जो हमें किसी भी एनिमेशन या किसी भी वीडियो को बनाने के लिए चाहिए। अब स्टेप्स क्या है कि पहले हमें अपने ये एंड्रॉइड बेस्ड भी है और ये iOS यूजर्स के लिए भी है, तो अपने प्ले स्टोर पे एप्पल और एप्पल स्टोर पे जाकर, ऐप स्टोर पे जाकर हम इसको स्टॉप मोशन स्टूडियो डाल के, ये ऐप का इंटरफेस है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड जब हम उसको कर लेंगे अपने मोबाइल फोन में, तो हम जब उस आइकन पे क्लिक करेंगे, उस ऐप को ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे डैशबोर्ड, मतलब स्क्रीन हमारे मोबाइल पर आती है, इसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। ये स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप का डैशबोर्ड है। आप जो भी वीडियो एनिमेशन क्रिएट करेंगे इस ऐप से, वो आपको इस डैशबोर्ड पे आपके प्रोजेक्ट फॉर्म में दिखने लगता है। आपने जितने भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट, जितने भी एनिमेशन आप दिखाएंगे, क्रिएट करेंगे इस ऐप से, वो आपके इस डैशबोर्ड पे दिखेगा। तो इसमें आप जो प्लस साइन देख रहे होंगे, न्यू मूवी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके हम एनिमेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमें मोबाइल पे दिखाई देगी, जिसमें आप देख रहे होंगे कुछ आइकन्स दिए हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ आइकन है, राइट हैंड साइड पे कुछ आइकन है। अगर हम राइट हैंड साइड पे थर्ड नंबर का एक क्वेश्चन मार्क का आइकन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें इसके नाम पता चल जाएंगे कि आइकन्स का यूज क्या है। जैसे राइट हैंड साइड पे फर्स्ट आइकन कैमरे वाला आइकन है, उस पर लिखा है कैप्चर। तो जैसे कि हम इसमें किसी भी स्टोरी को फोटो क्लिक करेंगे और उसके बाद उसे हम प्ले करेंगे तो वो मूवी बनेगी, मूवी क्रिएट होगी। तो इसे क्लिक करने के लिए हम इस कैप्चर आइकन पर, कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। सेकंड है अंडू, अंडू कर सकते हैं हम। थर्ड तो आपको बता रहा है कि क्या आइकन्स का क्या रोल है, क्या नाम है, क्या फंक्शनैलिटी है। फोर्थ है प्ले। जब हमारे सारे फोटो फ्रेम्स, फोटोज क्लिक हो जाएंगे तो प्ले पे हम क्लिक करके उस मूवी को हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से प्ले हो रही है, किस तरीके से वो चल रही है, तो इससे हम प्ले कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे पहला आइकन है बैक आइकन। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे जो उस ऐप का डैशबोर्ड है। सेकेंड आइकन है वॉइस ओवर। इस आइकन पर क्लिक करके हम अपनी जो वीडियो एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम वॉइस ओवर एम्बेड कर सकते हैं, उसके साथ हम अपनी स्टोरी मूवी के साथ उसे सिंक कर सकते हैं। थर्ड जो आइकन है प्लस वाला आइकन है, जिस पर लिखा हुआ है एड इमेजेस ऑडियोस क्रेडिट्स। ये जो फीचर है स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप का, ये एक पेड फीचर है। इस फीचर के लिए हमें जो ये स्टॉप मोशन स्टूडियो प्रो वर्जन के साथ अवेलेबल होता है, फ्री वर्जन में जो ये फीचर हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम अब जो भी हम मूवी या एनिमेशन क्रिएट करेंगे उसमें हम केवल क्लिक इमेजेस ही यूज कर सकते हैं। फ्री वर्जन में कोई भी एक्सटर्नल इमेज जो हमारे फोन की गैलरी में ऑलरेडी है
उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल ऑडियो, जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एनिमेशन में कोई म्यूजिक ऐड कर दूं बाहर से, मतलब डाउनलोड करके मैं अपना डाउनलोडेड म्यूजिक ऐड कर दूं, तो वो हम नहीं कर सकते हैं और क्रेडिट्स इसमें हम नहीं कर सकते हैं। ये पेड फीचर है इसका, बाकी फीचर इसमें हम फ्री हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। वॉइस ओवर हम इसमें डाल सकते हैं कि इसमें हम रिकॉर्ड करके अपनी स्टोरी ऐड कर लें वीडियो के साथ, वो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई एक्सटर्नल म्यूजिक हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। लास्ट है सेटिंग, इस पे हम क्लिक करके अपनी मूवी की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब बीच में आप देख रहे होंगे एक बॉक्स आ रहा है जिसपे लिखा है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में क्या होता है कि जितने भी फ्रेम्स हमने अपनी स्टोरी के फ्रेम्स हमने क्लिक किए हैं, वो फ्रेम्स हमें एक सीक्वेंशियल मैनर में, जैसे कि जिस सीक्वेंस में हमने उसको क्लिक किया है उसी सीक्वेंस में वो हमें नीचे दिखते हैं। फ्रेम वन, फ्रेम टू, फ्रेम थ्री, इस तरीके से वो हमें दिखते हैं सारे फ्रेम्स, जिसको हम टाइमलाइन कह सकते हैं, टाइमलाइन कहते हैं। और इस टाइमलाइन में हम हर एक फ्रेम को एडिट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि इनकेस कि मुझसे एक एडिशनल फ्रेम क्लिक हो गया जिसका मुझे लग रहा है बाद में कि रिक्वायरमेंट नहीं थी, या फ्रेम एक ऐसा क्लिक हो गया जिसपे फोकस नहीं हो पाया, फ्रेम पे ब्लर हो गया, तो इस तरीके की कुछ एडिशन वो एडिटिंग हम उसमें कर सकते हैं। तो वहां हम टाइमलाइन में हर फ्रेम को एडिट भी कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। अब मैंने कैमरे वाला जो आइकन था उस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे मोबाइल पर आएगी, जिसमें जो रेड आप सर्कल देख रहे हो इस पर आप क्लिक करके फोटो क्लिक करेंगे। ये बार्स कुछ दिख रहे हैं नीचे, आप राइट हैंड साइड पे नीचे दिखेंगे 4 बार्स दिख रहे हैं। इस पे हम क्लिक अगर करते हैं तो ये ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं। इसमें ये है, इससे हम ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी ब्राइटनेस चाहिए। प्लस का साइन अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हम इसको जूम भी इसका एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें जूम करके लेना है, ये जूम इन जूम आउट का फीचर है, हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये सेकंड जो आपको आइकन दिख रहा है ये टाइमर का ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमें स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप में हमें जो भी मूवी एनिमेशन क्रिएट किया है उसके लिए हमें मल्टीपल फोटोग्राफ्स क्लिक करने होते हैं। तो अगर आप बार बार क्लिक करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हाथ मूवमेंट या हाथ हिल जाने से वो ठीक से क्लिक नहीं होता है। तो इसमें टाइमर का ऑप्शन भी है, आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं कि आपका हर क्लिक, जो नेक्स्ट क्लिक है वो कितने सेकंड बाद हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो ये टाइमर का भी इसमें ऑप्शन है, हम इसमें टाइमर सेट करके भी क्लिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्लिक करते हैं इस पे तो आप देखेंगे इसमें आ रहा है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो स्टोरी लाइन है, स्टोरी है हमारी, उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं। अब ये एक स्टोरी जो स्टोरी बोर्ड में हमने देखा था, एक रफ स्केच हमने बनाया था, अब उसके लिए हमने ये स्टोरी बनाई और उसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो नीचे टाइमलाइन है उसमें सारे फ्रेम्स आ रहे हैं। 37 आप देख सकते हैं कि उस स्टोरी को क्रिएट करने के लिए 37 फ्रेम क्लिक किए गए थे, 37 फ्रेम क्लिक किए गए थे। तो सारे 37 फ्रेम हमें टाइमलाइन पे दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे सारे फ्रेम्स टाइमलाइन में दिखते हैं, फिर उसको अगर हमें लगता है कि कुछ फ्रेम जो है वो गलत क्लिक हो गए हैं या ठीक नहीं है, तो हम उनको एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो जिस फ्रेम को हमें एडिट करना है उस पर हम टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो एक पॉपअप स्क्रीन आएगी जिसमें आपको ये फीचर्स दिखेंगे, इंसर्ट कैमरा,
पॉज, ऑडियो, एडिट, इरेज, मर्ज, सेलेक्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, रिवर्स, डिलीट। ये एडिटिंग ऑप्शन हमें कुछ मिल रहे हैं जिससे कि हम अपने फ्रेम्स को एडिट कर सकते हैं। इंसर्ट कैमरे से क्या होता है कि अगर मुझे लग रहा है कि ये फ्रेम के दो फ्रेम्स के बीच में मुझे एक और फ्रेम ऐड करना है जो मुझे फ्रेश क्लिक करना है, तो मैं इंसर्ट फ्रेम पे क्लिक करूंगी। जिस फ्रेम के बाद मुझे वो फ्रेम क्लिक करना है उस फ्रेम पर इसको सेट करके इंसर्ट कैमरा हम क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा और दो फ्रेम के बीच में वो जो आपको नया फ्रेम क्लिक करना है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम इससे अपने बीच में कोई भी नया फ्रेम ऐड कर सकते हैं अपने टाइमलाइन में इंसर्ट कैमरा यूज करके। पॉज करके, पॉज का ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हो कि दो फ्रेम, अगर आपके तीन फ्रेम है तो आप चाहते हो ये थोड़ा लंबे ड्यूरेशन तक स्क्रीन पे प्ले हो, तो हम पॉज उन फ्रेम को सिलेक्ट करके पॉज ऑप्शन से उसको हम पॉज कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो आपके सिलेक्टेड फ्रेम है वो थोड़े लंबे टाइम के लिए स्क्रीन पे स्टे करते हैं, तो हम उनको पॉज कर सकते हैं। ऑडियो, इसमें हम जो भी वॉइस ओवर हमने रिकॉर्ड किया है अपनी स्टोरी के लिए, अपने एनिमेशन के लिए, उसको हम यहाँ ऑडियो पे क्लिक करके उसको हम कट कर सकते हैं, हम ट्रिम कर सकते हैं कि हमें कितने पोर्शन में वो ऑडियो चाहिए, उसको हम एडिट कर सकते हैं। साथ ही उसको अगर हमें लगता है कि हमें ये ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई है, इनकेस अगर वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई है तो हम उस ऑडियो को डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट, ये फीचर जो आपके एडिट, इरेज, मर्ज और रिवर्स, ये चार जो ऑप्शन है आपके, ये फीचर्स जो है वो आपके पेड वर्जन के साथ होंगे, फ्री वर्जन में वो आपको नहीं मिलेंगे, तो वो हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। सिलेक्ट, इसमें अगर हमें लगता है कि ये फोर फ्रेम्स जो है सिलेक्ट करने हैं हमें, तो हम उनको फ्रेम्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। कट, इससे हम फ्रेम्स को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो एडिट, इरेज, मर्ज और रिवर्स, ये फीचर्स को छोड़ के बाकी फीचर्स को हम फ्री वर्जन में यूज कर सकते हैं अपने अपने टाइम फ्रेम्स को एडिट करने के लिए। अब अगर हमें ये स्टोरी के साथ वॉइस ओवर एड करना है, तो हमने ये जो सेकंड आइकन था हमारा वॉइस ओवर वाला, इस पर हमने क्लिक किया तो हमें इस तरीके की स्क्रीन मिलती है। हम रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करके अपनी स्टोरी को रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो के साथ सिंक हो जाती है, इनेबल हो जाती है। तो रिकॉर्ड करके हम इसको अपनी जो हमने फ्रेम्स क्लिक किए थे, हम वीडियो हमने क्लिक की थी उसके साथ हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये सेटिंग वाला ऑप्शन था जो लास्ट ऑप्शन था लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसमें मैंने बताया था कि आप सेटिंग ऑप्शन से अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं मूवी की। तो आप देखेंगे जैसे कि ये जो फर्स्ट आइकन है उस पर हमने क्लिक किया तो ये टाइम ये आपका आ रहा है। अगर आप पर 1 सेकेंड रखते हैं तो आपकी मूवी स्लो चलती है, जितना आप इसको इंक्रीज कर देते हैं नंबर उतनी ही आपकी मूवी की स्पीड जो होती है वो फास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सेकंड ट्रायंगल वाला एक आपको आइकन दिख रहा है, इससे हम अपनी स्टोरी को फेड मतलब फेड वाला इफेक्ट हम डाल सकते हैं कि फेड वो जो फ्रेम है वो फेड हो रहे हैं, फेड इन फेड आउट वाला हम इसमें इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये बाकी के जो फीचर्स हैं ये आपके पेड वर्जन के लिए हैं, जो केवल आप पेड वर्जन में यूज कर सकते हैं। अब ये स्टोरी मैंने एडिट कर ली, मैंने इसमें वॉइस ओवर एड कर दिया, मैंने इसकी स्पीड
एडजस्ट कर दी कि मुझे जितनी स्पीड चाहिए वो मैंने इसमें उसको एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद मैंने इसको प्ले करके देखा। अब प्ले करने के बाद जैसा मैंने बताया था कि आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो भी एनिमेशन क्रिएट करते हैं, वो इस स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मैंने क्रिएट किया था, वो यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट बनाया, अब मुझे इसे शेयर करना है। तो इसके लिए हमें उस प्रोजेक्ट पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे ब्लू बार में कुछ आइकन्स हमें दिख रहे हैं। पहला आइकन है ये प्रीव्यू का, कि मुझे प्रोजेक्ट को शेयर करने से पहले वो मुझे एक बार प्रीव्यू का ऑप्शन देता है कि हाँ इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं फाइनल कि वो सॉरी ठीक से कोई उसमें एरर तो नहीं है या कोई भी ग्लिच तो नहीं है, तो उसको हम फाइनल प्रीव्यू कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है शेयर का, इससे हम अपने जो हमने मूवी क्रिएट किए हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं। इसमें शेयर करने के लिए हम शेयर पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाता है कि हमें अपनी जो हमने मूवी बनाई है उसे हम किस फॉर्मेट में शेयर करना चाहते हैं। पहला है एक्सपोर्ट मूवी। अगर हम एक्सपोर्ट मूवी करते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट को एज MP4 सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो एक मूवी फॉर्म में प्ले होता है। सेकंड है एनिमेटेड GIF। इसमें हम सेकंड ऑप्शन से हम इसको GIF सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड है इमेजेस। इस फॉर्मेट में हम जो भी हमने अपनी एनिमेशन या मूवी क्रिएट की है उसको हम सेपरेट JPG फॉर्मेट में इमेजेस के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज मैंने 37 फ्रेम्स क्लिक किए थे, तो मैं अगर इमेजेस के फॉर्म में उसको डाउनलोड करती हूँ तो मुझे वो 37 JPG फॉर्मेट की इमेजेस सेव कर देगा। तो वो हम हर एक फ्रेम को एक वो इमेज बना देगा, तो हम उसे इमेज फॉर्म में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है फ्लिपबुक। फ्लिपबुक में बेसिकली जो भी हमने जो अपना एनिमेशन या वीडियो बनाई है उसको हम एक PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हम दो तरीके से भी शेयर कर सकते हैं। अगर हम कुछ कॉमिक बुक टाइप बना सकते हैं तो उसको हम एक प्रिंट फॉर्म में PDF फॉर्म में भी शेयर कर सकते हैं, और साथ में अगर हम उसके डायलॉग्स का वॉइस ओवर अगर हम साथ में ऐड करते हैं तो उसको हम मूवी फॉर्म में एनिमेशन फॉर्म में भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्लिपबुक में वो एस PDF सेव हो जाती है हमारे फोन की स्टोरेज में। और लास्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में वो स्टॉप मोशन एनिमेशन के एक्सटेंशन में जो ऐप का एक्सटेंशन है उससे वो उसमें वो सेव होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिससे हम अपने एनिमेशन को शेयर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट कॉपी बनाने का। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट जो भी मैंने अपना मूवी या एनिमेशन क्रिएट किया है मैं उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लूं। तो उसके लिए मैं उसको सिलेक्ट करके इस आइकन पे क्लिक करूंगी तो मैं उस अपने पूरे मूवी की एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकती हूँ। अब मतलब ये सवाल आता है कि हमें इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने की जरूरत क्यों है, क्यों हमने तो अपना प्रोजेक्ट बना लिया, अपना एनिमेशन बना लिया। तो इसके लिए ये है कि अगर इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे स्टोरी मैंने क्रिएट की उसमें जो वॉइस ओवर मैंने किया वो मैंने इंग्लिश में वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया, लेकिन मुझे है कि मैं इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी इस अपने एनिमेशन में डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए भी हम यूजफुल कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो हम इसमें मल्टीपल कॉपी बनाकर इसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके उसको एम्बेड करके हम एक सेम ही मूवी को डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बना सकते हैं। तो उस
के लिए हमें इस ये ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के उन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है डिलीट का, तो अगर इससे हम इसे डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने इस प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने बताया था, हम बहुत सारे फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। मैं इस फॉर्मेट अपने जो प्रोग्राम है मूवी है उसको एक्सपोर्ट मूवी पे एज MP4 सेव करना चाहती हूँ, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो ये मैं ऑप्शन देता है कि आपको ये मूवी जो आपने एनिमेशन बनाया है वो आप डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर आप इसको सेव वीडियो का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इसमें सेव वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने फोन की गैलरी में भी डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपको सारे ऑप्शंस बताता है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, आप इसको जीमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, साथ ही इसको आप डाउनलोड करके अपने फोन की गैलरी में इसको सेव कर सकते हैं, फिर इसको आप शेयर कर सकते हैं। ये एक स्टॉप मोशन एनिमेशन का एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये स्टॉप मोशन स्टूडियो से नहीं रिकॉर्ड हुआ है, ये प्रॉपर कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन ये एक स्टॉप मोशन एनिमेशन का एग्जांपल है। फिर उसके बाद हम डेमो देखेंगे कि किस तरीके से, मतलब हम क्रिएट करेंगे उसको, डेमो देखेंगे कि हमने स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप को यूज करके हमने कैसे वीडियो क्रिएट की। आई थिंक ऑडियो आ रही होगी। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। समूह में आदि मानव लेकर बैठे पत्थर। आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये आप देखेंगे कि ये पेपर कटआउट से बनाया गया है, जो मैंने आपको बताया था कि स्टॉप मोशन एनिमेशन को हम बहुत सारे फॉर्म्स में बना सकते हैं, जिसमें एक कटआउट भी फॉर्म था कि हम पेपर के कटआउट से कुछ पेपर कटआउट से हम कुछ भी मॉडल या फिर अपनी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग क्रिएट करें कटआउट से, और उससे हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पेपर से ही, ये जो ह्यूमन फिगर बनाए गए हैं ये पेपर कटआउट से बनाए गए हैं, बेस जो है एक मटका बेस है जिसके ऊपर ये पेपर कटआउट्स हैं, और इसके एक एक, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें हैंड मूवमेंट हो रहा है, या जो उनके लिप्स का जो एक लिप बनाए गए हैं उनका जो मूवमेंट हो रहा है, तो वो हर मूवमेंट उसमें उसको किया गया, उसको क्लिक किया गया है। तो इस तरीके से पेपर कटआउट से हम एनिमेशन बनाते हैं। कुछ चपटे कुछ थे नुकीले, कुछ जैसे हो मोटी कीले। कुछ कुदाल कुछ भाले जैसे, कुछ मीठे चाकू से धार। पत्थर से पत्थर को मार, बना रहे थे वो हथियार। टकराया पत्थर से पत्थर, तब उससे निकली चिंगारी। सीख लिया जब आग जलाना, सर्दी का मौसम बना सुहाना। उनकी गुफा हो गई रोशन, खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना।
ये एक स्टॉप मोशन एनिमेशन का एग्जाम्पल था और आपने देखा होगा कि इसमें बहुत ही कुछ थोड़े से ह्यूमन फिगर बनाए गए थे पेपर कटआउट से और उससे एक कितना अच्छा एनिमेशन क्रिएट किया गया और एक कॉन्सेप्ट को कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया। तो अब हम एक डेमो वीडियो देखेंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम स्टॉप मोशन एनिमेशन को यूज करके हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। यस यस योर स्क्रीन इज विजिबल। तो आई थिंक बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग दिस वीडियो, ये बिकॉज आउटर सोर्स की वीडियो है तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम आए, आप लोग ईयरफोन लगा सकते हैं अपने या फिर केयरफुली थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो स्टेप्स वीडियो में दिखेंगे वो ऑलरेडी मैम ने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मिस होगा, बट थोड़ा सा क्योंकि फोन पे बना के एक स्टेप दिखाने की आपको सारे स्टेप्स कोशिश की गई है तो थोड़ा सा ऑडियो जो है फीबल हो सकता है कहीं कहीं पे, और कईयों के डिवाइस का ऑडियो भी कम होगा तो वो भी और केयरफुली ऑडियो बढ़ा ले या हैंड्स फ्री लगा लें अपने लिए जो हम लोग ईयरफोन्स लगा लें। प्लीज गो अहेड। Today we will create stop motion animation for the famous story The Thirsty Crow. We must have heard about it. So we will create stop motion animation for this story, and we will create this story by using different cutouts. We can create a story by using puppet. Prachi ma'am. Yes ma'am. हाँ थोड़ा सा ना, आई थिंक आप अपने डिवाइस का इनपुट ऑडियो अगर बढ़ा पाए तो हल्का सा शायद बेटर हो जाएगा, अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा तो 100% है। मैं चैट में अभी वीडियो शेयर कर देती हूँ ताकि हाँ वो ठीक रहेगा, ताकि इंडिविजुअली वो लोग देख पाएंगे फिर। ठीक ठीक these cutouts for creating our animation. So we will capture frame based on the storyboards. As we discussed earlier, we have created a storyboard for this story and we have created a each of frame and when we captured these frames these frames. So as discussed here 8 icons are given. You can see on the right hand side top icon is camera, so we will capture this frame by using this this icon. So I'm tap on I'm clicking on this. Now you can see a red button. We can click we can capture a frame by clicking on the red button. So I'm clicking on it. So this is our first frame. Now
Now I am clicking my second frame where the crow is here and click on the red button. I will move the position of the crow. I will move the position of the crow and I will click the frame. Again, move the crow and click the frame. Again, moving the crow and click the frame. Again, same procedure will do. Again, the closed frame I will clicking. So now we can see the crow not able to drink a water because the water level of the jug is very low. So now he can see some pebbles here. So we will rotate the position of the crow and click, and we will click some clicks on that frame. We will move it on down. Now, as we can see, crow picked up the pebble and now he moving towards the water jug, and we will capture this frame. We will capture each frame of this process. Now again, we repeat the entire process. And we'll capture every moment. We will capture each and every detail. Now we can see after putting pebbles in the water jug, now crow is able to drink water and he is drinking water. We will capture this moment, this frame, and
we will click all the frames. So we have clicked all possible frames for this story. Now we will see how many frames we have clicked. You can see at the bottom of right hand side 69 frames. So 69 frames are clicked for this story. Now I am clicking on the back button, and at the end of the screen we can see the timeline of this story, and we can see the every frame of this story. So as we are explained earlier, we can edit and we can add our voice in this story. Now we will edit our frames, like edit my frames timeline. So here we can see on frame number 65, the shadow is coming, my hand shadow is coming. So I want to delete this light. So what we can do is, I will click on this frame, and this editing options are coming. Here we can see a delete option. I will delete it, and this frame will delete it. So we can edit our timeline by using these edit option. If I want to copy my duplicate my frame, so I will click on copy button. And paste it here. So my so the duplicate frame will be created, and we will edit our timeline as we are required for. Now I am going to play this video by click on play button. So you can see the motion in the story, in the frames. If you realize that we can see the option of insert camera, we can click on this and retake the frame. We can cut the frame, we can copy this frame, and we can delete this frame, we can erase and edit also, and merge and reverse jo reverse feature will be available for the pro version of stop motion animation. Now if we can set our video speed by using these options. I am clicking on setting. Here we can see movie speed. We can set the speed of our animation movie. Now I have set 5 seconds per frame. We can set as per our requirement. 3 second, 4 second, 5 second, 10 second. We can use this feature for speed adjustment. We can adjust color contrast, but this feature is available for the pro version. And we can use foregrounds. So these some features are available with the free version. So we can use these features for our animation. Now
if we want to add our voice with the animation, we will use the voice icon. Now I'm clicking on voice icon. Here we can see the record button on the screen. By clicking on this, we can record our voice and add with our animation. So now I'm going to record my voice. I'm clicking on the record icon. Here you can see the start recording. One hot day, Thrifty Crow flew all over the field looking for the water for a long time, and suddenly he saw a water jug near the tree. He flew down to see if there was any water inside, and he could see some water inside the jug. He tried to push his neck into the jug, but he could not do this because water level is very low. Then he saw some pebbles. He started picking up pebbles one by one, dropping each into the jug, and water level kept rising. He finally drank water, and his plan had worked. The moral of the story is, think and hard work may find solution of any problem. I'm going to stop this recording. Now you can see all over the field looking for the water. Voice is coming with the video, and we can add narration of a story with the animation. If there was any water inside, and he could see some water inside the jug. He tried to push his neck into the jug. Now I'm going to stop this play and click on done. Now I'm going to play this animation with audio by clicking on play button. One hot day, Thrifty Crow flew. Now you can see audio is coming with the video. So you can create small animation with audio by using this stop motion animation app. Now we want to share our video with our friends and with our students. So for this we will click on the back button. Here we can see left hand side top icon is back icon. We will click on this icon. Here this is the dashboard. Dr. Prachi, we are not able to hear anything. So I think once you share the video, then it will be helpful for us. We will long press this icon. Dr. Prachi, can you hear me? Yes, Monika ma'am, मैंने इसको चैट में अपलोड कर दिया है. थोड़ा सा ये हैवी है तो चैट में भी अपलोड हो रहा है. मैंने उसको कर दिया है शेयर. ठीक है. We can see the preview. I was thinking that can we proceed later, maybe after taking a 10 minutes break, if you permit. Yes. So I think by then the chat will also be uploaded. They will be able to see it, and then we will have better questions also. Yes, that's definitely my concern. So I think we will take a 10 minutes break now. We are posting. Ma'am has already posted it. It's just getting uploaded. So 5 मिनट में शायद वो अपलोड हो जाएगा, तो आप उसके बाद देख पाएंगे. सर व्हाट्सएप में ना वो फाइल बहुत बड़ी है, व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं हो पा रही है. चैट में ही अपलोड होगी, हम लोग कर रहे हैं अभी. और 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं. उस 10 मिनट में आप थोड़ा फ्रेश भी हो जाइए, और वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप देख भी पाएंगे अपने सिस्टम पे प्रॉपर ऑडियो के साथ. तो थैंक यू प्राची मैम. वी विल गेट बैक टू यू आफ्टर 10 मिनट्स, एंड we'll start just after the 10 minutes the remaining session. Take him up. Thank you everyone. Please join on time and keep seeing the chat also, so that you can receive the video.
ऑप्शन को यूज करके आप इसको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते ओके 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 मैम, तो पॉज मैम खाली हमारे को वीडियो में आएगा, ऑडियो में नहीं हम पॉज का ऑप्शन है, खाली फ्रेम्स पे पॉज का यस यस यस, ये पॉज आप केवल वीडियो के लिए कर सकते हैं, ऑडियो के लिए नहीं है वो। ओके मैम, ओके ओके ठीक है मैम। और मैम एक चीज और, एक चीज और, जैसे हमारा वो था ना कि हम टाइम स्पीड को वीडियो को हम सेट कर रहे थे, तो उसमें ऑडियो की भी स्पीड को सेट कर सकते हैं? नहीं नहीं मैम, वो आपके फ्रेम्स की स्पीड को सेट करता है, वो ऑडियो की स्पीड को सेट नहीं कर सकता। ओके मैम, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन है चैट में, इज वॉइस रिकॉर्डिंग गो ऑटोमेटिकली विद द कैप्चर्ड इमेजेस? नहीं, वो ऑटोमेटिकली तो नहीं जाता है, वो हमें देखना पड़ता है कि वो वही मैंने जो मैम का भी क्वेश्चन यही था कि किस तरीके से वो सिंक करें, हम वॉइस को अपने फ्रेम्स के साथ कैसे सिंक करें, तो उसके लिए वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी ऑडियो वीडियो की स्पीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें ऑडियो अपना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है कि हमारा सिंक नहीं हो पा रहा है, तो जो एडिटिंग ऑप्शंस है हमारे, उनको हम यूज करते हैं उसको सिंक करने के लिए, जैसे पॉज का ऑप्शन है, ऑडियो कट का ऑप्शन है, तो इस तरीके के ऑप्शंस, एडिटिंग ऑप्शंस को यूज करके हम उसको सिंक कर सकते हैं। मैम एक है कॉपी पेस्ट करके, एक सेकंड, फ्रेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, फ्रेम को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक लास्ट चैट बॉक्स में कुछ सेम ही क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट करके पिक्चर को ऑडियो के साथ सेट कर सकते हैं क्या? कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऑडियो को आपको, अगेन मैं वही कहूंगी, आपको देखना पड़ेगा कि ऑडियो को आपको मैन्युअली प्ले करके देखना पड़ेगा कि वो साथ में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगेन वही कि अगर ऑडियो ज्यादा है, फ्रेम कम है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम पे पॉज का ऑप्शन करना पड़ेगा इनेबल, और उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा। ये आप एक बार जब रिकॉर्ड करेंगे मैनुअली, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ऑडियो को फ्रेम के साथ सेट करेंगे इसमें। एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम है डॉक्टर सुमन फेस कर रहे हैं, नॉट एबल टू मिक्स ऑडियो इन वीडियो। मैम क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इसमें, आप बताएंगे क्या, मतलब क्या, कैसे मिक्स नहीं हो पा रहा वो? डॉक्टर सुमन आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर सुमन आप, हाँ Yes, मैं मैंने वीडियो शूट की थी और फिर अलग से ऑडियो भी रिकॉर्ड की, लेकिन जो रिकॉर्ड की थी वो वीडियो के साथ, मतलब मैं असिमिलेट नहीं कर पा रही थी, उस पे अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ये कैसे होगा? वीडियो पे वो अप्लाई ही नहीं हो पा रहा, आप ये कह रहे हो? मैम एक बार ये बता दीजिए। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि वीडियो पे वो आपने जो ऑडियो अपना रिकॉर्ड किया वॉइस ओवर, वो वीडियो पे अप्लाई ही नहीं हो पाया, मतलब वो वीडियो के साथ आया ही, प्ले ही नहीं हुआ, ये आपका इशू है क्या? सुमन मैम, मैम अनम्यूट करके प्लीज बोलिए सुमन मैम। यस मैम, यस मैम, फिर आपने डन जो आया था उस पर क्लिक किया था, मतलब आप yes, जब रिकॉर्ड करते हैं तो स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद डन एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके फिर वो ऑटोमेटिकली आपके फ्रेम के फर्स्ट फ्रेम पे सिंक हो जाती है आपकी ऑडियो। लेकिन मैम ऐसा नहीं हुआ, स्टॉप किया था ऑडियो को, फिर डन भी किया था, लेकिन विदाउट ऑडियो ही है वीडियो अब भी। मैम एक बार आप फिर दोबारा एक बार रिकॉर्ड करके देखिए, अदरवाइज ये मतलब
इशू, ये ऑटोमेटिकली आपके फ्रेम के साथ सिंक होता है, तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप एक बार री रिकॉर्ड करके एक बार दोबारा चेक करके देखिए इसको। ओके मैम, ऐसा तो नहीं है कि फ्री वर्जन में ये फैसिलिटी नहीं होती? नहीं नहीं मैम, वॉइस ओवर आप फ्री वर्जन में कर सकते हैं, एक्सटर्नल जो ऑडियो है उसको नहीं आप यूज कर सकते हैं। सपोज डाउनलोडेड कोई वीडियो या म्यूजिक है वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड करके अपनी मूवी के साथ आप ऑडियो सिंक कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं इसमें, वो फ्री वर्जन का फीचर है। ओके मैम, मैं फिर से ट्राई करती हूँ, थैंक यू। चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ एक सवाल आ रहा है कि मैंने स्टॉप एमएस डाउनलोड किया और वो करेंटली नॉट अवेलेबल है, तो आप प्लीज पूरा नाम लिखिए, स्टॉप मोशन स्टूडियो, आधा लिखेंगे हो सकता है वो कोई और ऐप हो, क्योंकि रिडीम कोड इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप मोशन स्टूडियो ये वाला ऐप है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जी स्टॉप मोशन स्टूडियो मैंने शॉर्ट में लिखा था कि जल्दी से लिखा जाए। नहीं नहीं अच्छा ठीक है, कैसे हेल्प करें फिर आप एक बारी, मैं प्राची मैम आप क्या इसका लिंक शेयर कर सकती हैं जो ऐप है, सो दैट हम करेक्ट जगह से वो डाउनलोड कर लें, कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको। मैं उसका लोगो दिखा देती हूँ जो है उस ऐप का लोगो, तो वही हम क्योंकि ये लोगो विजिबल है, एक ब्लू कलर वाला लोगो है, एक पर्पल कलर वाला लोगो है, लेकिन ब्लू कलर वाले स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उससे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। मोनिका मैम, हाँ जी मैम, एक सेकंड मैम, सभी लोग एक बार ड्राइव में देख लें, मैम ने लिंक डाला है उस वीडियो का, तो आप लोग एक बार उसको चेक कर लें, मैं एक बार फिर से भेज रही हूँ। हाँ जी मैम, रूही मैम बताइए। अभी जो मैम को प्रॉब्लम आ रही थी कि वॉइस नहीं जा रही है उसके साथ, मुझे भी ऐसा हुआ था, फिर मैम ने जो मैं जुड़ी थी जूम के साथ, जूम से मैं हट गई, मैंने जूम लीव किया, मीटिंग भी ऑफ की, तो मैंने दूसरे फोन से जुड़ी, मगर इस फोन से मैंने सिर्फ स्टॉप मोशन पे ही किया, तो मैं हो गई, हो गया, वो बुक हो गया था, वो रिकॉर्ड भी हुआ था, मगर मुझे आ नहीं रहा था। प्राची मैम, जो आपने गूगल ड्राइव शेयर किया प्लीज उसमें एक्सेस राइट दे दीजिए, एक बार कोई भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है उसको। ठीक है मैम। रूही मैम, मीनाक्षी मैम, जो रूही मैम ने बताया है, एक्चुअली अगर आपका भी वहीं पे जूम चल रहा है तो दो जगह ऑडियो यूज होता है डिवाइस का, इस वजह से शायद नहीं आ रहा है। मैम मैं ये दिखाना चाहूंगी, ये है स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप, ये वाला आपको डाउनलोड करना है इसका। गूगल क्रोम पे मैंने टाइप किया यही स्टॉप मोशन स्टूडियो, फिर उसमें जो ऑप्शंस आए उन पे क्लिक किया। मैं मोबाइल में नहीं यूज कर रहे, आप गूगल क्रोम पे जाके क्यों कर रहे हैं, आप प्ले स्टोर में जाके करिए, फोन में प्ले स्टोर पे। मैम लैपटॉप पे कर रही थी। मैम लैपटॉप से वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आप फोटो क्लिक कैसे करेंगे, एनिमेशन का जो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा आएगा वो मोबाइल से ही आएगा मैम एक्चुअली। ओके थैंक यू मैम, तो आप बेटर है ये मोबाइल से ही करिए जी। आप मोबाइल में प्ले स्टोर में ये टाइप करेंगे तो ये आइकन आएगा, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे। आप लोग मैम एक बार आपने एक्सेस प्लीज चेक कर लीजिए प्राची मैम। हाँ मोनिका मैम, मैं दे रही हूँ एक्सेस जी। मोनिका मैम एक, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया इसमें, अभी जैसे वो एक ही स्लाइड पे आ रहा है तो उसको मुझे डिलीट करना है, देन दोबारा रिकॉर्ड करना है, तो डिलीट का ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ है, केवल ऑडियो डिलीट करना है मैम। ओके मैम, इसके लिए आप टाइमलाइन में देखेंगे तो फ्रेम पर, जिस फ्रेम पर आपका एक ऑडियो का ब्लू कलर का कुछ साइन दिख रहा होगा ना जी मैम, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एडिटिंग ऑप्शन आएंगे आपके पास, आप उस पर क्लिक करिए तो एक पॉपअप स्क्रीन पे आएगा जिसपे कुछ एडिटिंग ऑप्शन।
ऑप्शन होंगे, उसमें ऑडियो होगा, आप थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा ऑडियो, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से डिलीट हो जाएगा वो ऑडियो। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन है, आफ्टर रिकॉर्डिंग माय ऑडियो इज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मैम मतलब क्या है? इफ यू मैम मैंने वो फ्रेम टू फ्रेम जैसे किया है तो उसमें अब जब दो मतलब दो ऑडियोज आपस में ओवरलैप कर रही है, जैसे एक फ्रेम के लिए एक लाइन बोला मैंने, दूसरे फ्रेम के लिए दूसरी लाइन बोला, बट नाउ व्हेन आई प्ले इट सो वो आपस में ओवरलैप हो गया। मैम इसके लिए आपने आपका ऑडियो मतलब फ्रेम जो है वो कम टाइम के लिए स्टे किया होगा, तो आप उस फ्रेम पर पॉज अगर लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो आपका मैनेज हो जाएगा ऑडियो के साथ, उतना ही आपका जो विजुअल है वो स्टे करेगा स्क्रीन पे। आप उस फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो एडिटिंग ऑप्शन में पॉज का ऑप्शन होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं उसके लिए। ओके मैम, एंड मैम इमेज क्रॉप का ऑप्शन रहता है कि अगर स्टॉप मोशन से मैं क्लिक करती हूँ? नहीं नहीं मैम, ये इमेज क्रॉप नहीं कर सकते हैं इसमें, इसलिए आपको पहले ही अपना जो फ्रेम है वो सेट करना होगा कि कुछ मतलब वो प्रॉपर फ्रेम ही हमारा कैप्चर हो, क्योंकि हम इमेज को नहीं हम इसमें क्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं पर क्रॉप नहीं कर सकते। वीडियो लिंक अब सब एक्सेस कर पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं जो हमने शेयर किया है? मोनिका मैम काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ गई है तो मैं राइट्स दे रही हूँ, जिन लोगों को मिल गया होगा वो लोग एक्सेस कर पा रहे होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं तो आप नया लिंक दे सकते हो जिसमें आप कंप्लीट राइट देकर ही दे दीजिए तो वो भी इजी हो सकता है। एक्चुअली ठीक है मैम मैं देखती हूँ। अब आप लोग सब स्टॉप मोशन वाले ऐप से ट्राई कीजिए, कुछ भी दो कुछ चीजों को अभी के लिए अपने उसमें एक रेफरेंस वीडियो बनाकर देख लीजिए और सारे स्टेप्स जो हमने एक्सप्लेन किए हैं उनको यूज करके देख लीजिए, उसके बाद एक अच्छा ई कंटेंट मतलब सम टॉपिक लेकर के आप बना सकते हैं एक वीडियो एंड यू कैन शेयर दैट इन योर असाइनमेंट ऑल्सो लेटर ऑन। वीडियो लिंक हम मैं अभी दोबारा पोस्ट कर रही हूँ सर। राजी मैम एक सवाल और था, मैंने पर स्लाइड मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करी बट जब उसको मैं प्ले कर रही हूँ तो वो स्पीड से निकल रहा है, उसी मतलब उसको कैसे स्लो किया जाए ये मुझे पता करना था। मैम ऑडियो फास्ट है या वीडियो फास्ट है? मैम वीडियो फास्ट है तो उसकी वजह से ऑडियो प्ले नहीं हो पा रहा, ऑडियो विदाउट प्ले ही आगे निकल रहा है। हाँ आप सेटिंग में जाके मैम एक बार वीडियो का है ना वो भी कर सकते हैं, स्पीड भी आप मैनेज कर सकते हैं, तो अगर आप वन पे रखेंगे तो वो स्लो मूव करेगा और जितना नंबर इंक्रीज होगा तो फिर वीडियो फास्ट हो जाएगी, तो एक बार आप सेटिंग में ये चेक कर लीजिए कि आपकी जो मूवी की स्पीड है वो क्या है। और सेकंड ये है कि आप पॉज का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो आप ट्राई कर लीजिए। मैम स्पीड इसमें मैंने वन ही किया हुआ है, वन करने के बावजूद भी वो उस स्लाइड के साथ वो ऑडियो प्ले नहीं हो पा रहा, तो मैम फिर आप ना पर फ्रेम पॉज का ऑप्शन यूज कर लीजिए, अगर आप पॉज 2 सेकंड 3 सेकंड उसमें सेकंड्स आएंगे आपके पास तो आप वो देख लीजिए, आप पॉज अगर यूज करेंगे तो फिर वो जो आपकी स्लाइड है आप सिलेक्ट करके भी पॉज कर सकते हैं कि आप 3-4 स्लाइड्स अगर चाहते हैं कि इस ऑडियो के साथ रहे तो सिलेक्ट ऑप्शन से वो 3-4 स्लाइड सिलेक्ट कर लीजिए और फिर पॉज से उसको वो उतनी देर स्टे करेगी स्क्रीन पे तो आपकी ऑडियो एडजस्ट हो जाएगी। मैम ठीक है, तो आप प्लीज ये पोज वाला ऑप्शन और बता दीजिए एक बार कहाँ पे आए। ठीक है मैम मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जी। मैम 2-3 फ्रेम एक साथ सिलेक्ट तो नहीं हो रहे, आई ट्राइड इट, मैं चाह रही थी कि 2-3 फ्रेम में वो पूरी ऑडियो खिंच जाए बट वो हो नहीं रहा है।
ये मैम ये ऑप्शन है पॉज का, आप इसको यूज कर सकते हैं मैम. पर इसमें ये कि जब हम प्ले करते हैं तो सारी जो स्लाइड है वो प्ले हो रही है, तो क्या हमें ये इंडिविजुअली पोज करके सेटिंग करके छोड़ना पड़ेगा? हाँ, ये मैम सेलेक्ट का ऑप्शन देख रहे हैं ना आप, इस पे आप इसे जो फ्रेम्स हैं जो उस ऑडियो के साथ रन होने हैं आप उन फ्रेम को इस सेलेक्ट ऑप्शन से सिलेक्ट करिए, फिर उस पर पॉज अप्लाई कर दीजिए, सेकेंड्स आप सेट कर दीजिए, तो वो उतने टाइम के लिए थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो स्क्रीन पर रहेंगे, जिससे आपकी ऑडियो जो है वो उसके साथ सिंक हो जाएगी वीडियो के साथ. ओके मैम जी, ओके थैंक यू. हेलो हेलो जी 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 प्राची मैम, ये ऑडियो अगर से अगर हमने ऐड किया गलत हो गया तो डिलीट कैसे होगा सर? इसके लिए जिस फ्रेम पर ऑडियो आपको दिख रही होगी आप उस पर क्लिक करेंगे तो वही पॉपअप आएगा, एडिटिंग ऑप्शंस आएंगे, उसमें ऑडियो एक ऑप्शन होगा, थर्ड नंबर का आइकन होगा ऑडियो का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो डिलीट ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा. मैम आप कह रहे हैं लिंक नहीं चल रहा, तो आप जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेंगी मैम एक्सेप्ट कर लेंगी और आप एक्सेस कर पाओगे. तो प्राची मैम आपको एक्सेस दे देंगी, अब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. हम लोग उन्हें कहा मैम मैं एक्सेस दे रही हूँ, काफी सारे ईमेल्स आ गए हैं, काफी लोगों को मैंने दे दिया है, मैं एक्सेस दे रही हूँ जैसे मुझे रिसीव हो रही है रिक्वेस्ट. ठीक है मैम, मैं लिंक आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ सो देट जिसने नहीं डाउनलोड किया या देखी है वो एक बार देख ले. मैम एक्सेस आपको सबको दे रही है जैसे जैसे आप भेज रहे हो. प्राची मैम नमस्कार. जी जी सर. हाँ मैम, ऐसा भी किया जा सकता है कि जैसे हमने फ्रेम को पॉज नहीं किया बल्कि उसको कॉपी पेस्ट कर दिया 3-4 बार तो भी वो ऐड हो जाएगी ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, वो इजी हो जाएगा ना फिर. हाँ हाँ बिल्कुल जी मैम, थैंक यू. प्राची मैम क्या एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी मैम. मैम सेटिंग बटन पे जाते हैं जब हम, तो वहां पे जो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं वहां पे जैसे एक यूट्यूब का जो बटन टाइप होता है वैसा भी आता है, तो उसमें जी, प्ले, हाँ जी, उसमें प्लेबैक, डोंट इंक्लूड लाइव इन प्लेबैक, ऐसा कुछ 2-3 ऑप्शंस होती है, क्या आप इनके बारे में बता देंगे एक बार फिर से? अगर आपने पहले बता दिया तो मैं एक्चुअली ध्यान नहीं दे पाई हूँ उस टाइम.
ये मैम ये एक्चुअली बस प्रीव्यू का ये कि आप मेरी आवाज आ रही है जी जी चाची मैम आ रही है आपकी आवाज मैम ये केवल ऑप्शन जो है वो आपके प्रीव्यू के लिए ही है कि आप इसको प्रीव्यू डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं बाकी इस मतलब कुछ और नहीं है केवल प्रीव्यू के लिए है ये ऑप्शन ओके थैंक यू मैम जी Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, you're muted. Hello. जो मैं फ्रेम ते क्लिक कर दिया तां ओह ऑप्शन्स आंदियां नहीं जिहड़ियां डिलीट वगैरा करना हुंदा आपां ने स्लाइड ओनू फ्रेम नू मैम आप फ्रेम पर थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है आप ये कह रहे हैं हाँ जी मैम हाँ जी हाँ ये हाँ जी मैम एक बार थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके देखिए हो सकता है कि थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके देखिए कि वो अगर आप जिस फ्रेम पर एडिट करना है आपको उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाता है मैम वैसे मैम काफी लॉन्ग प्रेस कर लिया पर कोई ऑप्शन आई नहीं मैं ताई थोनू क्वेश्चन कीता मैम एक बार बैक जाके वापस ट्राई कर लो मेरे ख्याल ता हो जाएगा वैसे यही है ना मैम भी लॉन्ग प्रेस करो तो हां जी हां जी थैंक यू तो यही है थैंक यू मोनिका मैम पंजाबी बोल दें रवि शंकर जी आप कुछ कह रहे थे सर हाँ जी सॉरी सर मेरा कनेक्शन थोड़ा स्लो हैगा तुसी कुछ कह रहे सी समीमुद्दीन जी अगर आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है और आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हो मजबूरी है आपको एग्जिट करना तो मैं कुछ नहीं कहूंगी लेकिन आप फिर वापस रीजॉइन कर लेना 5 मिनट पहले हाँ हाँ ठीक है सर आप ऐसा करिएगा 12:55 पे एक बार रीजॉइन कर लेना हाँ जी मैम थोड़ी देर स्टॉप मोशन की प्रैक्टिस के लिए लीव कर सकते हैं आधा घंटा लंच तक ताकि एक हाँ सर मैंने आपको आई थिंक चैट पे ऑलरेडी लिखा है मैंने तो कोई इशू हाँ नहीं है पर आप 12:55 पे वापस ज्वाइन कर लेना अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लीव कर रहे हो तो हाँ जी हाँ जी वो इसी फोन से एक्चुअली कर रहा हूँ हाँ जी हाँ जी रितु अनेजा जी का क्वेश्चन है मैम वीडियो में पॉज करने पर भी स्पीड वही है प्राची मैम जी जी मतलब उनकी स्पीड मैम बढ़ानी कुछ कम करनी होगी मैम वीडियो की स्पीड फिर भी वही आ रही है आपकी ऑडियो नहीं हो पा रही है मैच वीडियो के साथ तो मैम आप पूछ लीजिए ओके मैम एक्चुअली क्या है कि उसमें ऑडियो डाली ही नहीं है अभी सिर्फ अभी जो थोड़ा सा पिक्स लेके उसमें अभी वीडियो क्रिएट की थी तो लास्ट स्पीड 1 पे थी 1 ही है उसके बाद भी उसकी स्पीड ऐसे लग रहा है थोड़ा और रुकना चाहिए तो आपने बोला था कि उस पे क्लिक करके पॉज आता है पॉज करके सेकंड्स में आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन वो मैम तब भी स्पीड वही है आपने कितने फ्रेम्स क्लिक किए हैं अपनी वीडियो के लिए मैंने अपनी वीडियो के लिए अभी जस्ट ट्राई कर रही थी तो 10 ही किए हैं मैम ये स्पीड हमारी उस पर भी डिपेंड करती है ना कि कितना हम मतलब फ्रेम्स कर रहे हैं और अगर आपकी अभी भी स्पीड नहीं आ रही अगर आप
पॉज लंबा करेंगे या कोई मूवमेंट नहीं होगा तो वो फिर वो वीडियो वाला फील नहीं आएगा उसमें, वो मूवमेंट दिखेगा नहीं। तो थोड़े ज्यादा फ्रेम क्लिक करिए तो आपको समझ आएगा। और अगर आपकी पॉज मतलब आप पहले पूरी स्टोरी क्लिक कर लीजिए, और दूसरा अगर ये है कि अगर बहुत ज्यादा स्पीड आ रही है तो सर ने भी ये बोला था कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन मतलब सही ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है, पॉज से ज्यादा इजी है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप पहले थोड़े फ्रेम्स ज्यादा क्लिक करिए मैम। ओके मैम, तभी आप थोड़ा सा उसको स्पीड को देख पाएंगी, क्योंकि जितने हम ज्यादा फ्रेम्स क्लिक करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी वीडियो जो है स्मूथ बनेगी। क्योंकि आप लोगों ने अगर डेमो वीडियो में नोटिस किया हो कि हर फ्रेम के लिए मैं डबल क्लिक ले रही थी, मतलब सिंगल क्लिक में लेके मैं ना डबल क्लिक लिए थे, तो रीजन ये था उसके पीछे कि एक हमारी वीडियो जो है वो स्मूथ रहे। यस हाँ जी, एक ऑप्शन है इसमें यूज अनदर डिवाइस एज अ रिमोट कैमरा टू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव, इससे क्या ये कैसे वर्क करेगा? यस मैम, एक बार आप दोबारा बोलेंगे किधर? यूज अनदर डिवाइस एज अ रिमोट कैमरा टू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव, ये आपको मैम कहाँ किस सेटिंग में आके देखा? सेटिंग में मैम, उसमें स्टेप्स बता रहे हैं ना वो कैसे कैसे यूज हो सकते हैं ऐप में ही। अच्छा ऐप में वो हाँ डिस्प्ले हो रहा है ना कि इसको ऐसे ये चीजें कर सकते हैं, तो एक उसमें ये चीज भी है ना, यूज अनदर डिवाइस एज अ रिमोट कैमरा टू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव। मैम वही है कि आपको एक रिमोट व्यू मिल जाएगा उसमें कि अगर आप दो डिवाइस से करके देख रहे हैं तो उसमें जैसे कि अगर इनकेस अगर आप उसमें कर रहे हैं, आप ऐप जैसे कि ये पीसी के लिए भी कंपेटेबल है, लेकिन पीसी के लिए ये होता है कि है ना उसमें फोटोज अच्छे से क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि पीसी में वो लिमिटेशन होती है। फोटोज आप अगर फोन से ही लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से कवर हो सकता है, तो उस केस में हम उसमें रिमोट व्यू देख सकते हैं पीसी और फोन को कनेक्ट करके। मैम इसमें क्या फोटोज इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमने खींच के रखी हुई है गैलरी में, वो शायद ऑप्शन नहीं है? नहीं नहीं सर, वो ऑप्शन है, लेकिन जो मैंने बताया था कि हमारा फ्री वर्जन हम यूज कर रहे हैं, इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो पेड हैं, तो ये जो फीचर है इसमें एक्सटर्नल वीडियो सॉरी एक्सटर्नल ऑडियो और एक्सटर्नल इमेजेस ऐड करने का वो पेड वर्जन है, वो पेड में ही अवेलेबल है, फ्री में नहीं है। यस यस सर, कैन बी इंजर्ड टेक्स्ट इनटू इट? नहीं सर, दैट इज आल्सो अवेलेबल विद पेड वर्जन। मैम पेड वर्जन कौन कौन सा है प्लीज दोबारा बोलें। मैम मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि पेड वर्जन क्या है, इसके मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ। और वैसे भी अगर आप जैसे क्लिक करेंगे ना किसी भी ऑप्शन पे तो वो आपको कहेगा प्रीमियम मेंबरशिप लीजिए, तो वो भी देता है। बाकी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि पेड वर्जन क्या है इसके, पेड फीचर्स क्या है इसके। ओके मैम, थैंक यू। मेरी स्क्रीन देख पा रही हैं आप? यस मैम। ये जो प्लस वाला आइकन देख रहे हो ना मैम, जिसमें लिखा है ऐड इमेज ऑडियो क्रेडिट्स, ये पेड है। वॉइस ओवर फ्री है हमारा, और तो दिखाती हूँ आगे। ये एडिटिंग ऑप्शन में आप जाएंगे, रिवर्स एरेज एडिट मर्ज, ये हमारे पेड हैं, बाकी ऑप्शन हमारे फ्री है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। प्राची मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे हम किसी भी स्लाइड पे क्लिक करके इंसर्ट कैमरा करते हैं और फिर पिक अगर खींच रहे हैं तो वो ठीक है, उससे प्रीवियस स्लाइड में वो आ जाती है, लेकिन उसके बाद एक स्लाइड जिसपे कैमरा बना रहता है वो रहती है टाइमलाइन में, तो उसको हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं? मैम जब आप उसे प्ले में प्रीव्यू करेंगे ना तो वो नहीं दिखेगा। दिख रहा है मैम, मैंने जो ट्रायंगल के नीचे एरो है उससे करके देखा टाइमलाइन पे, तो उसमें शो हो रहा है दोनों स्लाइड्स कैमरे वाली ब्लैक। यस मैम, मेरा भी वही हो रहा था। तो आप मैम दोबारा से इंसर्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा, हट जाएगा। नहीं हट रही मैम, ट्राई करके देखा था मैंने, उसमें आता है स्टैंड कैमरा,
ये लिखा आता है सेंड कैमरा टू एंड, तो वो एंड में चली जाती है, स्लाइड हटती नहीं है और सारे ऑप्शन ब्लॉक हो जाते हैं सिर्फ दो ऑप्शन को छोड़ के, सेंड कैमरा टू एंड और सेलेक्ट। नहीं मैम, सेंड कैमरा टू एंड करेंगे तो फिर वो हट जाता है, आप एक बार दोबारा से बैक करके दोबारा करके देखिए। देख लिया मैम, अब 8th स्लाइड पे आ गया, वो वापस हटा नहीं है। मैम एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या, आप हमें दिखा सकते हो, सो दैट देखकर शायद मैम ज्यादा अच्छी हेल्प कर पाएंगी। मैम मोबाइल से ही कर रही हूँ मैं, तो फिर मैं मोबाइल शेयर कर देती, मतलब स्क्रीन उसकी दिखा देती हूँ। प्राची मैम एक छोटा सा सिंपल सी चीज नहीं हो पा रही, जो स्लाइड रिमूव करनी है, कुछ स्लाइड इसमें ऐसी ऐड हुई है जो मैं नहीं चाहती, अनवांटेड स्लाइड्स, उन्हें कैसे रिमूव करें? मैम उस पे क्लिक करेंगे, एडिटिंग ऑप्शन में डिलीट का ऑप्शन है। हाँ जी मैम आ गया, एक्चुअली मैं लॉन्ग प्रेस कर रही थी तो नहीं हो रहा था। थैंक यू मैम। कैमरा कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज स्टॉप्ड इट। Okay, I'll request. AC, can you please give permission to Meenakshi ma'am to start the camera? Ma'am, आप try कर लीजिए, हो सकता है उन्होंने दे दी होगी permission. जी ma'am. अभी नहीं आई है ma'am. Host, are you listening to me? Mr. AC, can you listen to me? Please give permission to Meenakshi ma'am to switch on the camera. मोनिका मैम प्लीज वो भी एक्सेस भी दे दीजिए वीडियो व्यू करने के लिए। हाँ जी प्राची मैम प्लीज एक्सेस दे दीजिए वीडियो व्यू करने के लिए। होस्ट आलोक, कैन यू प्लीज लिसन टू मी एंड कन्वे इट टू द होस्ट। मैम आप ही दे सकते हैं परमिशन। नहीं नहीं मैं कैमरा की नहीं दे सकती सर। एक सेकंड मैं उनको बोल देती हूँ, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। यस मीनाक्षी मैम अभी मिल गई, आप प्लीज कर लीजिए दिखाइए। स्क्रीन दिख रहा है मैम। प्राची मैम इफ यू आर एबल टू सी राइट नाउ। प्राची मैम मोनिका मैम देख रही हूँ मैं। हाँ मैं इनको वो कर देती हूँ, स्पॉटलाइट भी कर देती हूँ। आई थिंक मैम विजिबल। हाँ जी तो मैम जैसे ये कैमरे वाली स्लाइड है, मैं इस पे आती हूँ तो ये ऑप्शन सिर्फ दो ही चलती है, और इसमें अगर मैं एंड भी करती हूँ कैमरे को तो ये आखिर में आ जाता है और रहता ही है मैम ये यहाँ पे, जैसे ये दिख रहा है ये हटता नहीं है यहाँ से। मैम इसको प्रीव्यू करेंगे आप? प्रीव्यू को मतलब प्ले करके देखेंगे। ये कुछ भी दिख रहा है मैम आप देखेंगे जब प्ले कर रहे हैं ना तो वो कैमरे से कोई आपका वो व्यू आ नहीं रहा, उसमें ब्लैक आ रहा है मैम, ब्लैक एंड में जैसे मैम कहाँ आ रहा है एक बार दोबारा दिख। एक्चुअली आपकी स्क्रीन पर लाइट आ रही थी। जी आपकी बार नहीं दिखाई दिया मैम, पहले ब्लैक दिख रहा था लेकिन हाँ, वो आपको दिखेगा नहीं, वो आपको केवल एडिटिंग
टाइमलाइन में दिख रही है, लेकिन जब आप प्ले करेंगे ना तो वो नहीं दिखेगा। अच्छा, तो टाइमलाइन में शो होगा बट रियल में वो टाइमलाइन में, क्योंकि आपने उसमें एडिट किया, लेकिन अब जब फाइनल प्रीव्यू करते हैं ना तो वो नहीं दिखता है। ठीक है जी, थैंक यू। ओके कुछ वीडियोस जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो सभी ने शेयर किए हैं मैं देख रही थी, तो उसके अंदर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जितने शॉर्ट्स बेसिकली आप क्लिक्स कर रहे हो वो ज्यादा क्लिक करो, जितने ज्यादा शॉर्ट्स होंगे वीडियो उतना स्मूथली नेक्स्ट विजुअल के अंदर मूव करेगा। अगर आप एक एक्टिविटी के बाद डायरेक्टली बहुत ही यू नो डिफरेंट एक्टिविटी दिखाते हो तो झटके बहुत आएंगे और बहुत फास्ट मूव होगा, आपको ऑडियो की स्पेस भी कम मिलेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा उसकी शॉर्ट्स क्लिक करो सो दैट एक लंबा वीडियो भी बने, ऑडियो को भी उतनी स्पेस मिले और विजुअल झटका नहीं देगा आंखों में जिसे अगर हम लोग देखेंगे तो। यस मोनिका मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर जितने भी आप क्लिक्स कर रहे हैं हर फ्रेम का आप डबल क्लिक करेंगे तो उतना ही मूवी जो है आपकी वीडियो है वो बहुत स्मूथ रन करेगी, वो जर्क्स उसमें नहीं शो होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्लिक करिए और हर फ्रेम का डबल क्लिक करिए। मैम आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया भी था, मैंने मिस कर दिया था कि आप डबल क्लिक क्यों कर रहे हो, तो आई थिंक वही मैंने इसका मैम जवाब दे दिया था अभी। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने मिस किया, तो वही है जितने ज्यादा डबल नहीं आप चार बार भी क्लिक करोगे तो वो आपकी वीडियो की फिनिशिंग बढ़ जाएगी बेसिकली। मोनिका मैम जितने भी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मैंने एडिटिंग वो दे दिए हैं राइट्स, तो आई थिंक अब सभी लोग व्यू कर पा रहे होंगे, वो डेमो वीडियो देख पा रहे होंगे। इफ एनीबडी इज फेसिंग द प्रॉब्लम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है तो आप लोग एक बार वापस से क्लिक कर दीजिए रिक्वेस्ट पे, मैम दे देंगी, या फिर चैट में लिख दो जिनको नहीं मिली है वो चेक कर लेंगी जैसे भी आपको लगे। प्राची मैम जी, मैम आपने बताया था ना ये कि जो एडिट वाला ये ऑप्शन है ये सिर्फ पेड वर्जन में है, एक्चुअल में ये दूसरे फ्री वाले पे भी काम कर रहा है और उसमें हम जो हमारा फ्रेम है उसको हम एडिट कर पा रहे हैं, एक बार काइंडली चेक करें आप। हाँ हो सकता है सर, मतलब कि अपडेटेड वर्जन मेरे पास जो वर्जन है उसमें अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि वो शायद रिसेंटली अपडेटेड हुआ हो, अपडेट वर्जन आया हो, तो आई विल अपडेट माय ऐप। तो जी मैम, हाँ एक्चुअली में मेरे पास पेड वर्जन था बट मैंने दूसरे वाले मोबाइल में अभी करा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें आ रहा है अभी ये विदाउट मतलब। ठीक है फिर तो और अच्छी बात है, सब लोग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्राची मैम एंड मोनिका मैम, गुड मॉर्निंग, दिस इज ईशा, नाउ इट्स आफ्टरनून, सॉरी, कैन यू हियर मी? यस मैम। Yeah, I just wanted to give a small suggestion, like we have shared the link for this video and many of us are finding little difficult regarding the access rights. There is one very good software, we call it Wet Transfer, and we can directly transfer the file of to unlimited like size. It has given freedom to give access freely. That is Wet Transfer. The entire video we can get from that also. If you can directly upload your file to the Wet Transfer and share the link, it is very easy to download without any access rights in case if we are not able to get that. It's a very nice offer, Wet Transfer. For videos of long sizes, it can be 30 minutes also. It can be shared very easily.
ओके मैम, थैंक यू. प्राची मैम, एक और नया इशू आ रहा है. जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करी थी वो बार बार प्ले होते जा रहा है, मतलब जो स्लाइड थी उसपे तो हो ही रहा है, उसको बंद करने के बाद भी प्ले हो रहा है. मतलब मैम समझी नहीं, बंद करने के बाद भी प्ले हो रहा है. मैम मैंने स्लाइड पे जैसे ऑडियो रिकॉर्ड किया है ना, वहां तो प्ले हो ही रहा है, फिर मैंने पॉज कर दिया, पॉज करने के बाद भी वो प्ले की आवाज आ रही है. देन मैम पॉज जो अप्लाई होता है, हाँ मैम मैं क्लियर करना चाहूंगी, पॉज जो अप्लाई होता है वो आपकी ऑडियो पे नहीं होता, वो आपके फ्रेम्स पे होता है. एक्चुअली वो फ्रेम की ड्यूरेशन बढ़ाता है. तो मैम जी मैम, अभी मैंने ऐप भी बंद कर दी, उसके बाद भी प्ले हो रहा है. मैम रनिंग ऐप से हटा दीजिए उसको, अपनी रनिंग ऐप क्लियर कर दीजिए, फिर नहीं होगा प्ले मोबाइल में. बैकग्राउंड में रनिंग ऐप चलती है ना, आप उसको क्लीन कर दीजिए, फिर वो प्ले नहीं होगा, फिर बंद हो जाएगा. मैडम प्लीज एक्सेस दे दीजिए. हाँ मैं एक्सेस दे रही हूँ जी. मैम आई हैव अ सजेशन. मैंने एक्सेस दे दिया है, जितनी भी रिक्वेस्ट मुझे आई थी. अभी भी कोई है अगर जिसको रिक्वेस्ट मतलब एक्सेस नहीं मिला है तो आप रिक्वेस्ट एक्सेस के लिए मेल कर दीजिए, मैं रिक्वेस्ट दे दूंगी. मैम चैट में कुछ लोगों का आ रहा है कि उन्हें एक्सेस नहीं मिला है उन्होंने. हाँ मैम मैंने दे दिया अभी, शायद अभी वो दोबारा चेक करेंगे तो उनको एक्सेस मिल गया होगा. ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिए. इसने भी रिक्वेस्ट एक्सेस के लिए चैट बॉक्स में किया है. नहीं मुझे भी नहीं मिला था. अब दोबारा सर दोबारा रेज कर दीजिए, वहीं पे एक्सेस पे क्लिक कर दीजिए सर, दोबारा तो आ जाएगा, फिर मैम ले लेंगे. अच्छा, I just forgot to mark my attendance on time. Will you allow me to mark the attendance? मोहम्मद मुस्तफा कमल. आई थिंक अब सबको मिल गया होगा. सर आपको मिल गया? आप अभी कह रहे थे नहीं मिला मुझे. मुस्तफा कमल जी एक बार आप फॉर्म पे ट्राई कर लीजिए, अटेंडेंस लग रही है या क्लोज हो चुका है. अभी नहीं मिला सर, आप दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कीजिए. ओके, क्योंकि मुझे आपकी रिक्वेस्ट देखनी. ठीक है मैम, करता हूं. और मतलब आप दोबारा एक बार कर दीजिए तो मैं दे देती हूँ. सर मुझे रिक्वेस्ट मिली नहीं है अभी तक आपके. आपने दोबारा रिक्वेस्ट रेज की है क्या? यार अटेंडेंस 5 मिनट खोल दो. ये सारे प्राची मैम, एक्सक्यूज मी. यस मैम. हाँ जी प्राची मैम, जैसे कोई इमेज हमने ले ली
और उसमें थोड़ा साइड का एरिया हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, उसको क्रॉप करने का ऑप्शन है कोई इसमें? जैसे उसको मैंने क्लिक किया आ जाता है वो क्रॉप वाला, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। मैम इमेज को आप क्रॉप करने की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर फ्रेम में जो आपकी इमेज है उसको आप क्रॉप करने की बात कर रहे हैं? हाँ मैम फ्रेम में, जैसे ना एक पिक्चर की मैंने इमेज ली उसमें साइड में थोड़ा टेबल वगैरह नजर आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती वो नजर आए। मैं एडिट कर रही हूँ इसको इसमें। जी मैम क्रॉप का ऑप्शन नहीं है, मैंने ये मतलब पहले भी बताया था कि क्रॉप का ऑप्शन नहीं है। आपको जब आप क्लिक कर रहे हो फ्रेम तो आपको अपना फोन मतलब जिससे भी आप क्लिक कर रहे हो तो आपको सेट करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर फ्रेम ही है। आप पिक्चर को फ्रेम की पिक्चर को हम क्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है मैम, ठीक है ओके। यानी हमें वो शूट करते टाइम ही ध्यान रखना है। यस वो हमें तभी ध्यान रखना पड़ेगा जी, बाद में ऐसा नहीं हो सकता। जीरो परमिशन नहीं मिला मुझे अभी तक। सुरेंद्र के नाम से एचपी। सर आप देखिए आपको मिल गया क्या मेरे? अच्छा एक मिनट, अभी तो चल नहीं रहा है दोबारा। नहीं अभी नहीं सर, आप दोबारा एक बार रेज करिए क्योंकि मुझे जितने भी रिक्वेस्ट आए थे मैंने सबको एक्सेस कर दे दिया है। सुरेंद्र 3357। सर आप चैट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी पोस्ट कर दीजिए, मैं वहां से ले लूं। मैंने बड़ी बार की दोबारा कर देता हूं। अच्छा अच्छा ठीक है सर, आई गॉट इट। डिड यू गेट माइन मैम? प्राची मैम एक और क्वेश्चन पूछूं? मैम हैव यू गॉट माइन anand.isha90? मैम दोबारा भेजी मैंने मेल अपनी। सर आपको दे दिया मैंने एक्सेस। ओके थैंक यू। मैम आपकी ईमेल आईडी क्या थी? मैम एक बार anand.isha90 मैम आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए प्लीज। श्योर बट हैवंट रिसीव्ड एनी। प्राची मैम एक क्वेश्चन और है। जी मैम। मैम मे बी मेरे से कोई बटन क्लिक हो गया और लेकिन मैंने वो वाली डिलीट करके और अगेन एक 3 फोटोज क्लिक करके बनाई दोबारा से कंप्यूटर स्क्रीन की ही, तो उसमें नीचे तो दिखा रहा है 3 फोटो और लास्ट में एक कैमरे वाली स्लाइड फिर भी आ रही है, और जब मैं उसको प्रीव्यू करती हूँ तो 3 स्लाइड्स की बजाय वो 10 स्लाइड तो उन पिक्चर्स की शो करता है और 3 स्लाइड्स ब्लैंक कैमरे की शो करता है, तो कहीं में भी कोई बटन में भी मेरे से प्रेस हो गया हो? इंसर्ट कैमरा आपने जब क्लिक किया होगा तो उसको आपने दोबारा टैप करके स्टॉप किया है? अब कैसे चेक करूं मैम? आप जाइए फ्रेम पे क्लिक तो एडिटिंग ऑप्शन में आप जाएंगे, वहां से आप एक बार चेक करिए। मैंने क्लिक किया इंसर्ट कैमरा लिखा हुआ अभी वहां पे, मैं उसको हटाऊं क्या? अच्छा नहीं, हाँ मतलब इंसर्ट कैमरा लिखा हुआ है उस पे। हाँ तो एक बार फिर से इंसर्ट हो जाएगा अगर मैंने प्रेस कर दिया तो। और ये जैसे पहले वाली में मैं बोल रही थी ना पीछे कैमरा की ब्लैंक वो आ जाती है अगर हम इंसर्ट दोबारा हो जाएगा वो तो। मेरे को लगा आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे साउंड नहीं आ रही जी। मेरे को आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मैम,
मैम मेरे को लगा कि मे बी वो सिर्फ उसी वाली जो एनिमेशन है उसमें है वो कैमरा बैक नहीं, लेकिन मैंने दोबारा से नहीं बनाई उसमें भी अब ऑटोमेटिकली एंड में कैमरा आ रहा है, कैमरे की स्लाइड, तो कहीं कुछ प्रेस हुआ है इसका मतलब डेफिनेटली। अब समझ नहीं आ रहा क्या, आप या तो स्क्रीन शेयर करके दिखाएं मैम, क्योंकि मैं मतलब मुझे भी आपका प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा कि क्या आप इश्यू फेस कर रहे हैं फिर से प्राची या फिर आप जी जी मैम जब हम प्लस पे जाते हैं ना, प्लस ये जो ऑप्शन है इसका, इसमें आता है ऑडियो, जब ऑडियो में हम जाते हैं तो फिर 8-bit एयरप्लेन आर्म ये है क्या मैम? प्लस के साइन पे जाते हैं मैम, प्लस पे जाते हैं हाँ, जिसमें आ रहा है ऐड इमेज और ऐड ऑडियो ऐड क्रेडिट वो वाला कह रहे हैं मैम? ना ना ऑडियो, हाँ जी प्लस ऑडियो, ऑडियो का नहीं नहीं मैम, प्लस जो साइन है जब हमारा स्क्रीन पे जो कुछ ऑप्शंस लेफ्ट हैंड साइड में कुछ राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइन पे हमारे पहला बैक ऑप्शन होता है, सेकंड ऑडियो का एक साइन होता है जिसमें हम ऑडियो वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हैं राइट, थर्ड होता है प्लस, ठीक है हाँ जी। आप प्लस, प्लस की बात कर रहे हैं? यस मैम, मैम वो पेड फीचर्स है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे, उसमें आप एक्सटर्नल ऑडियो एक्सटर्नल टेक्स्ट या इमेजेस को यूज कर मतलब कर सकते हैं, तो वो हमारा पेड फीचर है, वो आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा। जी 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 थैंक यू मैम। प्राची मैम आई मैसेज यू पर्सनली एज वेल, यू कैन सी द चैट बॉक्स। ईशा मैम Yes, ma'am. मैम एक्सेस दे दिया आपको मैंने। Just now got it. Thank you so much. Okay, ma'am. Okay. चैट बॉक्स में जितनी भी मुझे ईमेल आईडी रिसीव हुए थे मैंने सबको एक्सेस दे दिया है, एक बार आप भी अपने एंड पे चेक कर लीजिए सब लोग कि आपको एक्सेस मिल गया है कि नहीं मिला है, मेरे एंड से मैंने सबको एक्सेस दे दिया है। हाँ प्राची मैम, मैं वॉइस को इरेज नहीं कर सकती हूँ, मैं गई वापस स्पीड पे। मैम वॉइस को डिलीट करना है आपको? मैम यस मैम। मैम वॉइस पर डिलीट करने के लिए जिस फ्रेम पे आप टाइमलाइन पे देखोगे फ्रेम पर वॉइस का ब्लू कलर का कुछ साइन दिख रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो वो एडिटिंग ऑप्शन में ऑडियो का ऑप्शन होगा, वहां से डिलीट होगी वो। अच्छा ऑडियो जी यस मैम हो गया, भी डिलीट भी प्ले भी, यस थैंक यू मैम। ये एक है नॉट रिसीव्ड येट। रितु मैम आप अपनी आईडी शेयर करिए, मतलब आप या तो रेज करिए दोबारा रिक्वेस्ट या फिर आईडी शेयर करिए, आई विल चेक एट माय एंड। एक्सक्यूज मी प्राची मैम, अगर कोई स्लाइड हमारी एंड में लग गई लेकिन हम चाहते हैं कि वो शुरू में आए तो उसको कैसे करने? मैम उस स्लाइड को आप कट करके जहां पर आप चाहते हैं वहां पेस्ट कर लीजिए। ओके कट करके जी। हेलो मैम नमस्कार मैम, ये ऑडियो जो हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो जिस फोटो पे सेट करना है वहां पे डन करना पड़ेगा उसको? हाँ मैम रिकॉर्ड करके आप एक बार प्ले करके उसको चेक करके फिर डन पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो के साथ आपकी सिंक हो जाएगी। ओके रितु मैम मुझे आपकी रिक्वेस्ट मतलब नहीं दिख रही है तो आप एक बार या तो दोबारा इसको रेज कर दीजिए, अदरवाइज मतलब मुझे दिख नहीं रहा आपका ईमेल कोई, तो आप एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए। बलविंदर
रविंदर सर मैंने आपको रिक्वेस्ट दे दी है, एक बार आप चेक करिए, आपकी दो बार रिक्वेस्ट आई थी और मैंने दोनों बार मतलब एडिट प्राइस दे दिए हैं, आप एक बार चेक करिए ठीक है मैम। हाँ 2 बजे के बाद, नहीं नहीं अभी तो लंच भी तो होगा, अभी मैं 1 बजे तक तो बीच चल फिर लंच करके फिर अब मेटाडाटा देखना है ना आपके साथ। हाँ मैं एक्सक्यूज मी मैम, हाँ अभी मैं सेशन में हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव टू शेयर माय ईमेल आईडी मैम। रितु मैम मुझे आपकी ईमेल आईडी मैम रितु मड़िया 9 मैंने चेक किया तो मुझे कोई रिक्वेस्ट, ये आपने जो शेयर किया है ना इसी से मैंने चेक किया लेकिन मुझे कोई रिक्वेस्ट दिखी नहीं एक्चुअली, तो मैं यही कह रही हूँ कि आप एक बार वीडियो पे क्लिक करके दोबारा से रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए सो दैट मैं आपको दे पाऊँ रिक्वेस्ट, मतलब एक्सेस दे पाऊँ मैं। मैम मेरे को एक्चुअली रिक्वेस्ट भेजनी नहीं आ रही है, मैं तभी सिर्फ मेल सेंड कर रही हूँ आपको। नहीं नहीं मैम इसीलिए आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक्सेस एक एक्सेस लिखा होगा, ब्लू बटन होगा उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो वो रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी मेरे पास, आप एक बार चेक करके देखिए। मैम वीडियो कहाँ पर है? मैम इसमें ड्राइव लिंक दिया हुआ था चैट में, उस पर क्लिक करें आप पहले। अच्छा मैम एक बार दोबारा शेयर करोगे प्लीज, ड्राइव लिंक मिल नहीं रहा क्योंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। हाँ हाँ मैं करती हूँ सर। मैंने ड्राइव लिंक शेयर किया है दोबारा। यस मैम गॉट इट। हाँ अब आप एक बार रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए। Prachi ma'am, if you agree, can we now go for the lunch time? Because I think everybody must be hungry. Haan, haan, bilkul ma'am. So, okay, jo bhi questions hai, aap WhatsApp mein bhi post kar sakte hain. Jaise hum log khud bhi ek dusre ko already support kar rahe hain during different things. To wahan pe koi na koi ya main khud answer kar dungi. Nahi to agar jo cheez hum log nahi kar payenge, I'll ask Prachi ma'am to answer there. Now we can proceed for lunch. पर उससे पहले एक चीज मैं अनाउंस करना चाहती थी कि असाइनमेंट मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है, लास्ट डेट मैंने संडे रखी है सो दैट आप लोग को 2 दिन फ्री वाले मिल जाएं जिसमें आप थोड़ा सा कर पाओ अच्छे से। 5 टोटल 4 असाइनमेंट्स है इंक्लूडिंग 1 जो है OER सर्टिफिकेट है और जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो 10 MB है, तो आप छोटे वीडियोज अगर आप बनाए तो वो बेटर होगा उसके लिए। तो ये बेसिक उसकी इंस्ट्रक्शंस थी, आप लोग काम उसके हिसाब से कर सकते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो जो हमने सिखाए उनमें से कोई भी चूज करके। आपको 3 असाइनमेंट्स बनाने हैं और चौथा OER का सर्टिफिकेट। मोनिका मैम। हाँ जी सर। मोनिका मैम ये तो आपसे एक जानकारी चाहिए थी। बोलिए सर। मैम जैसा आपने अभी कहा कि जितने भी सॉफ्टवेयर एप्स हम लोगों ने सीखे इस पूरे ओरिएंटेशन में, तो मान लीजिए हमने 5 सीखे, तो 5 में से 3 पे हमको असाइनमेंट करने हैं और प्लस OER को लेके 4 सर्टिफिकेट के लिए। तो मैम जब तक अभी हम लोग सीख रहे हैं ड्यूरिंग टू ओरिएंटेशन में, तो क्या मतलब ये असाइनमेंट को पूरा करने के लिए जैसा आपने अभी जस्ट कहा तो वही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, हम लोग को 2 दिन का टाइम मिलेगा? सर मैंने ना एक्चुअली क्योंकि सबको थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जैसे, जी जी इसीलिए मैम हाँ, तो मैंने इसीलिए सैटरडे संडे एक्स्ट्रा रखा है, संडे रात तक आपके पास एक्टिव रहेगा तो आप तब तक सबमिट कर सकते हैं। तो मैम इसको हम लोग किस पे इसी मतलब नहीं आपके चैट में ही शेयर करेंगे गूगल में कि जो आपने एसआरजी बनाया सर, जो गूगल फॉर्म आपने
मैंने ग्रुप में शेयर किया है, जब आप उसे खोलेंगे उसमें अटैच करके सबमिट करेंगे वो अपने आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएगा। आपने व्हाट्सएप में कुछ नहीं करना है। ओके ओके, कोई भी असाइनमेंट व्हाट्सएप में अगर आप अपलोड कर रहे हो मैं चेक नहीं कर पाऊंगी। यहाँ से इनपुट दे सकती हूँ, बट अगर आप सोचें कि मैं उसे डॉक्यूमेंट कर लूँ कि आपने सबमिट कर दिया, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। आप खुद भी सोचिए, इतने लोग अगर व्हाट्सएप में डालेंगे तो मैं कैसे करूँगी, वो पॉसिबल नहीं है। बच्चे से कई हेल्प लेकर के, लेकिन ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे को 3 दिन इसी पे खराब हो गए और अभी भी बहुत देर से इसी में लग रहा हूँ। सर ऐसा है, कोई बात नहीं सर, आप परेशान मत होइए। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो थोड़ा सा आपको उससे भी हेल्प मिल जाएगी, नहीं तो मैं बाकी के पार्टिसिपेंट जिन्होंने अभी कंप्लीट किया है वो आपको थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने अभी अभी किया है तो बहुत अच्छी हेल्प वो कर पा रहे हैं। नहीं और तो जो आपके ये एनिमेशन वगैरह ये तो मैं बना लूंगा, इस तरह के तो असाइनमेंट डाल दूंगा सर, पर वो भी दैट इज सर, बाकी तो आपकी चॉइस है, 3 आपने कौन से सबमिट करने, पर ये जो OER है ये कंपलसरी है। मैं मेरी जो चंडीगढ़ टीम और पंजाब टीम में जिन्होंने अभी अभी सारा काम किया वो आपको सपोर्ट कर देंगे, आप प्लीज थोड़ा सा एफर्ट करिए, दे विल बी एबल टू हेल्प यू उसमें, ठीक है। वो खुल ही नहीं रहा, आप तो मेरे से मैडम, वो खुल ही नहीं रहा दोबारा। हाँ सर, आप ऐसा करिएगा ना सर, कल जैसे किरण सर जो थे वो कह रहे थे कि आप उनको अपनी स्क्रीन का लिंक दे दें, जैसा कल उन्होंने ग्रुप में बताया था, वो आपकी स्क्रीन एक्सेस करके आपको हेल्प कर पाएंगे। आप थोड़ा सा एक बार ठीक आप वो दे दूंगा मैं, वो स्क्रीन शेयर कर दूंगा, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए फिर वो कर पाएंगे। अभी हम लोग लंच के लिए ब्रेक करते हैं, बाकी के क्वेश्चन या वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, और नेक्स्ट सेशन जो है स्पेशल सेशन होने वाला है, सब लोग मेक श्योर करें जुड़ जाए उस सेशन में, क्योंकि Zoom का भी एक अच्छा फीचर आप सीखेंगे उसमें, प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स होंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। हो सकता है आपको सब्जेक्ट में कुछ इश्यू आए कि फाइन आर्ट्स नहीं है, तो आप उनमें से जो नियरेस्ट आपको लगे आप वो वाला सब्जेक्ट चूज कर लेना और उसको ज्वाइन कर लेना। हेलो मैम। हाँ रितु मैम, उर्वशी मैम सॉरी बोलिए। मैम असाइनमेंट का जो आप गूगल फॉर्म कह रहे हैं वो कहाँ पर सेंड किया? व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है मैम मैंने। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। See you.